नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी अब वर्चुअल रैली करने वाली है और इसी को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वर्चुअल रैली की आड़ में जो एक्चुअल सच्चाई है उसे छिपाने की कोशिश कर रही है और ऐसा आरजेडी के होते हुए नहीं हो सकता। देखिए, बीजेपी जो है 9 तारीख को उनका जो है डिजिटल कैंपेन जो है डिजिटल रैली करने जा रहे थे, जो आप कह सकते हैं वर्चुअल रैली करने जा रहे थे। हालांकि सुशील मोदी कहते हैं कि रैली नहीं है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि रैली है। इन पे भी जो है दोनों कंफ्यूज है। अब देखिए, हम लोगों की जो चिंता है वो गरीबों की चिंता है। जो भूखे जो लोग हैं उनका पेट भरने में हम लोग लगे हुए हैं, जो पैदल जो चल रहे हैं उनके कष्ट को दूर करने में लगे हुए हैं, उनको घर पहुँचाने में लगे हुए हैं। इनको देखिए, नौजवान जो है वो बेरोज़गार हो गया, किसान जो है वो तबाह हो गया। आप देखिएगा, जो भूख से लोगों की मौतें हो रही हैं, गोली से मौतें हो रही हैं, और इस निकम्मी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो है, बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, ये लोगों को अपनी चिंता, गरीबों की चिंता नहीं बल्कि इनको अपनी भूख मिटाने की चिंता है। सत्ता का जो भूख है वो मिटाने के लिए है। अच्छा होता बीजेपी के लोग बताते, डिजिटल जो चुनाव कर रहे हैं और डिजिटली जो प्रचार कर रहे हैं तो ये तब करते, डिजिटल का इस्तेमाल करते, भूख को मिटाने में करते, लोगों को पेट भरने में करते, लोगों को घर पहुंचाने में करते। लेकिन ये डिजिटली और जो इन्होंने चुनाव का जो बिगुल जो फूका है और चुनाव की इनको जो चिंता है, ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी को अपना भूख मिटाना है, ना कि जनता का भूख मिटाना है। और हम लोग पहले घोषणा किए थे कि प्रतिकार करेंगे, 9 तारीख को डिजिटली जो बीजेपी कर दिए, क्योंकि इनको गरीबों की चिंता नहीं है। हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल मजदूरों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा है कि जो बीजेपी सरकार है, गरीब मजदूर जिनकी थाली खाली है उनका मजाक उड़ा रही है। और उसी के बाद अब आरजेडी 7 जून को मजदूरों की जो थाली खाली है उस थाली को बजाया जाएगा और बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। प्रतिकार करने का जो घोषणा किया, जो गरीब अधिकार दिवस का जो घोषणा किया, उसके बाद 9 तारीख से ये 7 तारीख पे आ गए। अगर ये 7 तारीख को बीजेपी के लोग करेंगे तो हम लोग भी 7 तारीख को प्रतिकार करेंगे। इन लोग अपना चुनाव का भूख मिटाएं, हम लोग जो है गरीब के साथ खड़े होकर के गरीब का भूख मिटाएंगे, नौजवानों को जो है उनकी आवाज़ उठाएंगे जो बेरोजगार हो रखे हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे। आप बता दें कि कोरोना संकट के बीच 9 जून को अमित शाह वर्चुअल रैली बिहार में करने वाले हैं और उसी के बाद अब बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि कुछ दिन में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव के मद्देनजर अब सारी पार्टियां चुनावी रैली करने वाली है। लेकिन बीजेपी ने इस रैली का ऐलान कर दिया है, 9 जून को वर्चुअल रैली होने वाली है और उसी रैली को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।